ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ ચોક બજાર સ્થિત ગાંધી પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. બાદમાં રાજકોટના કલેક્ટર દ્વારા પત્રકારોને અપાયેલ 50,000 ચેક મુદ્દે નિવેદન આપ્યું હતું. તેઓના મતે સરકારે પત્રકારોને કારણ વિના તેમજ મીડિયામાં સારા દેખાવ બદલ લાંચ આપી છે, માટે તમામ પત્રકારોએ મુખ્યમંત્રીને ચેક પરત આપી દેવું જોઈએ તેવું જણાવ્યું હતું. इसमें अच्छी जगह मिले, मीडिया में अच्छा दिखाया जाए, इसलिए जिला राजकोट के कलेक्टर ने 50,000 रुपये का चेक ऑफिशियली पत्रकारों को दिया है. मैं समझता हूँ कि करप्शन है, कौन सा प्रेम पत्रकारों पर इनका आ गया मैं समझ नहीं पाता, लेकिन ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है. लोकशाही का बहुत बड़ा खंभा जिसको हम कहते हैं पत्रकारत्व, इनको भ्रष्ट करने का भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट का एक तरीका मैं कंडम करता हूँ. कम से कम पत्रकारों को तो ये मत सिखाइए, आपके लोग जो है वो हो सकते हैं भ्रष्टाचार, लेकिन ऑफिशियली 50,000 का चेक देना, बिना मतलब को चेक देना, कौन सा प्रेम आ गया इनके ऊपर मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मैं कंडम करता हूँ. ऐसे चेक देने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, जिनको चेक मिला है इनको सब मैं विनती करूंगा कि आप जाइए, चेक खुला लेकर जाइए, गांधीनगर में मार्च करिए और जाकर मुख्यमंत्री को वापस दीजिए कि ये रहे आपका चेक, आपकी भीख हमको नहीं चाहिए, आपका करप्शन हमको नहीं चाहिए, आपका प्रेम चेक के माध्यम से जो हमको आप दे रहे वो भी हमको नहीं चाहिए. हम पत्रकार हैं, लोकशाही के मेन आधार स्तंभ हैं, हमको कम से कम भ्रष्ट न करिए, ऐसा कहकर इनको चेक वापस देना चाहिए. बाबू कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा भारतीय जनता पार्टी को करप्शन मतलब भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई ये पार्टी. ये भी ये कहेंगे भ्रष्टाचार ये है वो है, इनके खून में भ्रष्टाचार आ गया. जहां जहां सबको प्रैक्टिस ही भ्रष्ट प्रैक्टिस है और सरकार बनाने की प्रैक्टिस भी भ्रष्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन गया भ्रष्टाचार पार्टी.